जो डोनेशन कैंप का अंदाजी में किया गया है और सेक्रेटरी रेड क्रॉस और चेयरपर्सन अंजलि शर्मा के माध्यम से उनके प्रयास से और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं उन सब ने मिलकर ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ आयोजित किया है। और मैं समझता हूँ कि विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की की हो लेकिन खून का कोई विकल्प नहीं, ब्लड का कोई विकल्प नहीं, किसी की जान बचाने में ब्लड बहुत इसकी अहम भूमिका है। जो दान करते हैं एक महादान है। दिल्ली से टीम आई है और इनको टारगेट कर 100 यूनिट का टारगेट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हमारी ट्रिजुलेशन की फैसिलिटी जिस समय है 100 यूनिट तक। थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं जिनमें खून की कमी हो जाती है जो थैलेसीमिया बीमारी की वजह से, उनको रेगुलर ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ये जो ब्लड डोनेशन का आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है ऐसे बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया। देखिए जो आज ये कैंप लगाया है ब्लड डोनेशन, ये थैलेसीमिया के जो मरीज हैं हमारे हरियाणा में जिनका इलाज दिल्ली में होता है, तो दिल्ली जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है हमारी उसका ब्लड बैंक जो है उसकी टीम यहाँ आई है दिल्ली से, और जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी और धर्म एक फाउंडेशन जो है ये सामूहिक रूप से इस कैंप को लगा रही है। कैंप का जो शुभारंभ है माननीय DC साहब ने किया है, श्री शिव प्रसाद जी ने। जो वातानुकूलित बस में है ये AC बस है, इसमें सारा का सारा सैनिटाइज है, सिस्टम है, बीमारी का कोई डर नहीं है। ये मेरे को लगता है चरखी दादरी में ये पहला अवसर होगा जब ये बस बुलाई गई है, और बस के अंदर ये सारी की सारी सुविधाएं गर्मी को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए हमने इसमें व्यवस्था की है ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बीमारी जकड़ ना सके, पकड़ ना सके।